हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेवई का बिल्कुल खिला खिला उपमा बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं सेवई है, ये 500 ग्राम सेवई, आप मेज़रमेंट कम ज़्यादा कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सेवई को उबालेंगे। तो कढ़ाई चाहे भगोना रखेंगे गैस पे, जिसमें कि अच्छे से सेवई उबल जाए। अब इस कढ़ाई में हम पानी डालेंगे, आप किसी भी बड़े बर्तन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें अच्छे से बॉईल हो जाए। अब इसमें हम कोई भी कुकिंग ऑयल एक चम्मच डाल देंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। तो इसमें हम अपनी पसंद की सब्जियों को डालेंगे। तो देख सकते हैं मैंने कट करके रख लिया है, प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है। आप जो भी ऐड करना चाहे कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और ये एक टमाटर। तो पानी खोलने लगा है, इसमें हम सेवई ऐड करेंगे, बरिस्टर कर देंगे। सेवई को हम उबलने तक उबालेंगे, मतलब अच्छे से सेवई पक जाए। ये सेवई हमारी रोस्टेड सेवई थी। अगर आपकी सेवई रोस्टेड ना हो तो आप पहले उसको रोस्ट कीजिए। तो एक सेवई छू के हम देखेंगे, ये देखिए ये पक गई, ये टूट गई। तो अब हम इसको छान लेंगे, छन्नी की मदद से हम इसमें छान लेंगे, अच्छे से पानी निकल जाए। कढ़ाई रखेंगे गैस पर और इसमें अपनी पसंद का ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया, सबसे पहले मूंगफली तल के निकालेंगे। ये तड़का देख लीजिए, ये जीरा है, राई है, करी पत्ता है, अदरक घिसी हुई है, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और ये हींग। मूंगफली हो गई है, हम निकाल लेंगे। तड़का डालेंगे, अच्छे से चटकने देंगे। प्याज डालेंगे सबसे पहले, प्याज को गुलाबी रंग का भुनेंगे। देख सकते हैं प्याज अच्छी सी भुन गई है, गुलाबी हो गई। दरअसल नई प्याज रहती है तो थोड़ा सा उसका कलर उतना चेंज नहीं होता। अब शिमला मिर्च और गाजर डाल देंगे। सारी सब्जियां पड़ती हैं तो अच्छा लगता है कलरफुल देखना। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, चला लेंगे। बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे और इसी में हम टमाटर रख देंगे, डाल देंगे। और स्वादानुसार नमक डालेंगे और ये हरी मटर। इसके बाद इसको हम ढक देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। वो प्लेट एडजस्ट नहीं हो रही थी, इससे ढकेंगे। अब थोड़ी धनिया पत्ती काट लेंगे, चला लेंगे। अब हम सिवैयों को ऐड कर देंगे, धनिया पत्ती भी डाल देंगे और मिलाएंगे बहुत हल्के हाथ से। अब इसमें एक चम्मच शुद्ध घी ऐड करेंगे और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, नींबू का रस मिलाएंगे फिर इकट्ठे। फ्लेम बंद करेंगे, ऊपर से डालेंगे इसमें मूंगफली। तो फ्रेंड्स, हमारा खिला खिला उपमा बन के रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बना है। तो आप भी बनाइए। और इसके पहले भी मैंने एक सेवई के उपमा की रेसिपी आप लोग को दी थी, उसका थोड़ा सा दूसरा तरीका था। फिर से ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बनाइए और रेसिपी समझ में आए फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।